कहते हैं जब हौसलों में ताकत हो तो बुलंदियों को छूने से कोई भी नहीं रोक सकता। वहीं अगर इस बुलंदी पर बेटियां पहुंचती है तो न केवल एक पिता बल्कि पूरे देश का सर गर्व से ऊंचा हो जाता है। कुछ ऐसी ही कहानी मुंगेर ज़िले के छोटे से गांव कल्याणपुर की बेटी अनीशा राणा ने लिख दिया है। उसने पहले प्रयास में ही 65वीं BPSC में 18वीं रैंक हासिल कर अपने गांव के साथ पूरे ज़िले का नाम रोशन किया है, जिसके सफलता पर पूरा गांव खुशियां मना रहा है। मुंगेर मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर छोटे से गांव कल्याणपुर निवासी मुंगेर कोर्ट में कार्यरत अधिवक्ता अशोक कुमार सिंह की बेटी अनीशा ने 65वीं BPSC परीक्षा में 18वां रैंक हासिल किया है। उसने अपनी 12वीं तक की पढ़ाई DAV मुंगेर से पूरी की, जिसके बाद वह स्नातक के लिए पटना चली गई, जहां उसने वर्ष 2019 में भौतिकी से स्नातक पास किया। इस दौरान वह स्नातक के साथ सिविल सर्विस और BPSC की तैयारी में लगी। वहीं वर्ष 2019 में स्नातक पास करने के बाद उसने मात्र 2 माह बाद 65वीं BPSC की PT परीक्षा दी, जिसमें चयन होने के बाद COVID-19 संक्रमण को लेकर मेंस की परीक्षा काफ़ी विलंब से हुई। वहीं मेंस देने के बाद उसने 65वीं BPSC में 18वीं रैंक हासिल की। गांव की बेटी अनीशा राणा के BPSC में 18वीं रैंक हासिल करने से गांव में खुशी का माहौल बना है। लोगों के अनीशा के घर पर आने और उनके माता पिता को बधाई देने का सिलसिला लगातार जारी है। वहीं लोग गांव की बेटी के इस सफलता पर हर्ष मना रहे हैं। अनीशा राणा अपने घर की सबसे छोटी बेटी है। अनीशा की मां बबीता देवी एक गृहिणी है तो पिता अशोक सिंह एक किसान और अधिवक्ता है तो बड़ा भाई अनिमेश भी अभी तैयारी कर रहा है। अनीशा ने कहा कि हार्डवर्क का दूसरा कोई विकल्प नहीं है तो मां बबीता ने कहा कि पेरेंट अपने बच्चियों पर भरोसा करे। पिता अशोक और भाई अनिमेश ने कहा कि उन्हें अनीशा पे गर्व है। मुझे बहुत गर्व हो रहा है जिसने परिवार के साथ साथ अपने गांव का भी नाम रोशन किया है। मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है इस पर। अन्नमाता और सबसे ये है क्या कि वो बेटी को कम नहीं आके वो बेटी को भी बाहर शिक्षा के लिए करे, बाहर भेजे, उस पर विश्वास करे, इससे वो कुछ करेगी और उसका नाम रोशन होगा उनके परिवार का। क्या नाम है आपका? बबीता सिंह। आज आपकी बेटी BPSC निकाली, क्या कहना? बहुत गर्व हो रहा है। आज मेरी बेटी मुझे पहचान दी है। अब इसके हम जाने जाएंगे, हम पहचाने जाएंगे, इसलिए मुझे बहुत गर्व हो रहा है अपनी बेटी पे। शुरू से ही मेधावी रही है और हम लोग का इसका सपोर्ट इसको मिला है और इसके आगे बढ़ने में इसका टैलेंट, इसकी प्रतिभा और इसका जुझारूपन ये आज इस मुकाम पे ले आया है। और हम अपने बेटा बेटी में कभी अंतर नहीं किए, इसको आगे बढ़ाने के लिए हमारा सारा हमारे साथ हमारे परिवार का भी, जैसे माँ है, भाई है, सबका सपोर्ट मिला है और इसके हर कदम पर हम लोग साथ दिए हैं। और हम ये संदेश देना चाहेंगे, सभी लोगों को देना चाहेंगे, बेटी को कमतर मत आंकिए और बेटी को भी वही अधिकार दीजिए जो बेटे को भी देते हैं और उसको आगे बढ़ाने के लिए उसका सारा चीज मुहैया कराइए, वो आपका नाम रोशन करेगी। तो आज क्या नाम आपका? मेरा नाम अशोक कुमार सिंह है। बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है, पेरेंट्स खुश हैं, मेरी खुशी से ज़्यादा इन लोगों की खुशी है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत योगदान किसका मानते हैं? पेरेंट्स, ऑब्वियसली पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया हमेशा से, भाई ने भी बहुत हमेशा सपोर्ट किया है, बहुत मोटिवेट किया है इन लोगों ने, तो मैं अब क्रेडिट इन लोगों को देना चाहूँगी। और मेरी मेहनत तो थी, आज मैं इन लोगों का सपोर्ट था, ब्लेसिंग्स थी, अच्छा लग रहा बहुत। मैं ये कहना चाहती हूँ कि पहले वो अपना ये गोल जो सेट कर रहे हैं उसके बारे में सोचे, वो क्यों करना चाहते हैं उनका, वो ये जो जब वो ये क्लियर हो जाएगा तब
उनको हमेशा एक मोटिवेशन मिलता रहेगा और वो इस चीज़ के लिए आगे बढ़ते रहेंगे। फिर जो बेसिक बुक्स हैं NCERT वगैरह उन लोग को पढ़ना, उसको पढ़ना ज़रूरी है बहुत। फिर आप स्टैंडर्ड बुक्स है कुछ उनको भी पढ़ना ज़रूरी है। मेहनत करते रहिए, हार्डवर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं, और बस फोकस्ड रहिए, कंसिस्टेंसी मेंटेन करिए, हर दिन पढ़िए, हर दिन पढ़िए और ब्रेक भी लीजिए, और उस ब्रेक के दौरान अपने फैमिली से बात करिए, अपने पेरेंट्स से बात करिए, और जो वो एडवाइस करते हैं उसको फॉलो करिए, और अपने टीचर्स को फॉलो करिए, या जो मतलब जो लोग हैं जो आप जिनको मतलब मेंटोर मानते हैं उनको फॉलो करिए। मुंगेर से बिहार झारखंड न्यूज़ के लिए इम्तियाज़ खान की रिपोर्ट।